और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां राजस्थान में हुए दलित छात्र की हत्या के संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना अंतर्गत सुरणा गांव में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को शिक्षक के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, जिस पर उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई है। जिसको देखते हुए रीवा के हनुमना तहसील में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा नेतृत्व में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मूल निवासी छात्र संघ के द्वारा भी आक्रोश जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंप कर आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन पत्र सौंपते समय सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्ञापन के दौरान जहां हो रहे अत्याचार को भी समाप्त करने के लिए मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 29 सदस्य अनीता सुमन, वहीं विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से राम खिलावन साकेत सहित महिदपुर विधानसभा अध्यक्ष शिवलाल साकेत एवं पार्टी के कई पदाधिकारी सहित ओबीसी महासंघ के शंकर पटेल भी मौजूद रहे। लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया है। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं, जो हमारे इस राजस्थान की घटना है, जो 9 साल के बच्चे को प्रिंसिपल ने मटके से पानी पीने के कारण उसकी हत्या कर दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये मांग रखते हैं महामहिम राष्ट्रपति से कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, एक परिवार को नौकरी, कम से कम कृषि योग्य 10 एकड़ ज़मीन चाहिए उनको। इस लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अभी माननीय तहसीलदार महोदय ने ये कहा है कि मैं आपका जो ये ज्ञापन है इसको ससुरक्षित कलेक्टर तक पहुँचा दूँगा आपके। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष बसपा मऊगंज, विज्ञापन जो है तो जो राजस्थान में घटना घटी दलित लड़के के साथ, क्या नाम है उसका, मेघवाल के साथ में, तो उसके परिवार को जो है तो 10 एकड़ ज़मीन कृषि योग्य चाहिए और एक व्यक्ति को नौकरी और जो है तो 1 करोड़ रुपए की मैं मांग करता हूँ। आए वक्त पर जो है तो गरीबों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति महिमा के नाम जो है तो विज्ञापन सौंपा गया है और जो है तो माननीय SDM साहब के द्वारा बोला गया है कि आपका विज्ञापन ससुरक्षित कलेक्टर के पास पहुंचा दिया जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या के संबंध में बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में आरोपियों को सजा दिलाने एवं जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित परिवार के प्रति मुआवजा की मांग की गई है। जो ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को भेज दिया जाए।